सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आ गया हूँ एक वीडियो के साथ। तो आज हम लोग ये डार्क पोर्ट्रेट टाइप का एक कलर ग्रेडिंग जो ट्यूटोरियल हम सिखाएंगे, ओके। तो ये ट्यूटोरियल पूरा देखो, आप लोग भी सीख जाओगे इस तरह का फोटो एडिटिंग कैसे करके क्रिएट होता है, ओके। तो मैंने फोटोशॉप ओपन कर लिया, आप लोग देख ही सकते हो। एंड फोटोशॉप में हम लोग ये इफेक्ट क्रिएट करेंगे, ओके। तो इसीलिए क्या करने होगा, वीडियो को पूरा वॉच करने होगा। आप लोग सीखने चाहो, आपका खुद का इमेज जो है इस तरह का एडिट करने चाहो, तो क्या करने होगा, वीडियो को पूरा देखो। एंड जो जो फ्रेंड हमारा चैनल पे नया आई हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो, क्योंकि बहुत सारा फोटो एडिटिंग इस तरह का मिलेगी हमारा चैनल से, ओके। और वीडियो अच्छा लगी है तो एक तो लाइक करके हमको थोड़ा सा मोटिवेट करो, ओके। तो आप लोग प्रीवियस का इमेज देख लो, इस टाइप का एक डल टाइप का एक इमेज था। तो आफ्टर एडिट करने के बाद देखिए, इस टाइप का एक क्लैरिटी वाला इमेज आ गया है, ओके। तो बिना टाइम वेस्ट ना किए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, देखिए फोटोशॉप तो हमारा ओपन है। तो फोटोशॉप में देखिए, मैंने ये वाला इमेज इंपोर्ट करके रखी, ओके। तो आपका खुद का इमेज खींच लो एंड फोटोशॉप में ओपन कर लो। करने के बाद वीडियो देखो एंड प्रैक्टिकली करो, ओके। तो आपका भी ये जो रिजल्ट मिल जाएगा, ओके। तो सबसे पहले हमको क्या करने होगा, सबसे पहले हम लोग कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लेंगे, ओके। तो इमेज साइज ठीक ठाक ही है, आपका इमेज का साइज छोटा है तो आप थोड़ा इमेज एंड इमेज साइज पे जाके थोड़ा सा इमेज को विड्थ एंड हाइट बढ़ा दो। तो बढ़ा देने के बाद ओके कर दो, ओके। तो इमेज क्लैरिटी आ जाएगा एंड इमेज भी बड़ा हो जाएगा, ओके। तो सबसे पहले हमको क्या करने होगा, सबसे पहले हम लोग मॉडल को सिलेक्शन कर लेंगे, ओके। तो पेन टूल का मदद से हम लोग फटाफट से सिलेक्शन कर लेते हैं एंड वीडियो को थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ओके। ओके गाइस, आप लोग देख ही सकते हो, इधर देखिए हमारा मॉडल जो मैंने काट करके रखी हो, ओके। तो इसके बाद आपको क्या करने होगा, जो मास्क लेयर को मैंने अप्लाई कर दूंगी, ओके। एंड हम लोग क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड को थोड़ा हम लोग ब्लैक टोन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसीलिए क्या करने होगा, इसीलिए देख न्यू लेयर हम लोग क्रिएट कर लेंगे। देन हम लोग देखिए, इधर जो ब्लैक फॉरग्राउंड कलर ब्लैक रख के कीबोर्ड का ऑल्ट प्लस बैकस्पेस की मैंने प्रेस किया, देखिए टोटल इमेज ब्लैक हो गया है। देन हमको ब्लेंड मोड देखिए इधर चेंज करके हमको करने होगा कलर, ओके। आप लोग कलर भी कर सकते हो, ह्यू भी कर सकते हो एंड सैचुरेशन भी कर सकते हो। तीनों ऑप्शन में ही आपका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा, ओके। तो मैंने कलर ऑप्शन में मैंने सिलेक्शन कर लिया। देन हमको देखिए बैकग्राउंड तो ब्लैक हो गया है, देन हमको देखिए इधर ब्लू स्टोन हमको क्रिएट करने होगा, ओके। तो इसीलिए मैंने एडजस्टमेंट पैनल से हम लोग जाएंगे कलर बैलेंस, ओके। तो कलर बैलेंस जाने के बाद देखिए, जो येलो टोन इधर ब्लू टोन के थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देंगे एंड इधर सियान को भी थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देंगे एंड मेजेंटस को भी थोड़ा सा कमा देंगे, ओके। सियान -6 एंड मेजेंटस -7 एंड येलो जे इधर देखिए 43% मैंने +43 मैंने कर लिया है, ओके। तो मिड टोन मैंने सिलेक्शन किया, आप लोग हाईलाइट सिलेक्शन कर लो। फिर से येलो को थोड़ा सा इधर बढ़ा दो +23 एंड मेजेंटस को थोड़ा सा हम लोग देखिए मैंने -5 मैंने कर दिया एंड इधर देखिए इधर शियान को भी +4 मैंने कर दिया, ओके। आप लोग देख ही सकते हो जो बैकग्राउंड जो ब्लू स्टोन आ गया है, ओके। तो इसके बाद बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैंने एडजस्टमेंट पैनल से हम लोग जाएंगे लेवल ऑप्शन में, ओके। लेवल ऑप्शन में जाने के बाद थोड़ा सा बैकग्राउंड को मैंने डार्क कर दूंगी एंड देखिए इस तरह का मैंने जो जो सेटिंग्स मैंने किया, आप लोग वही वही स्टेप फॉलो करो, ओके। तो देखिए टोटल बैकग्राउंड हमारा क्रिएट हो गया है और इमेज देखिए बैकग्राउंड थोड़ा सा ज़्यादा ब्लू हो गया, थोड़ा सा हम लोग ब्लू को कमा देंगे, ओके। तो इसके बाद मॉडल इमेज को मैंने ठीक ठाक करूँगी, तो इसीलिए मॉडल लेयर सिलेक्शन करके हम लोग जाएंगे इधर कलर बैलेंस। कलर बैलेंस जाने के बाद मिड टोन सिलेक्शन करके इधर देखिए येलो टोन को थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, ओके। एंड क्लिप ऐड कर दूंगी, आप लोग देख सकते हो मॉडल का ऊपर ये जो इफेक्ट अप्लाई हो गया है, ओके। तो इसके बाद देखिए मॉडल जो है ना, मॉडल का स्किन टोन हम लोग ठीक ठाक करेंगे, वाइट करेंगे। तो इसीलिए एक न्यू लेयर हम लोग क्रिएट कर लेंगे एंड देखिए बैकग्राउंड कलर हमारा क्या है, वाइट है, ओके। तो इसीलिए क्या प्रेस करने होगा, कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस बैकस्पेस की मैंने प्रेस किया, तो देखिए वाइट हो गया है। एंड ब्लेंड मोड चेंज करके हम लोग कर देंगे सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट करने के बाद एक तो मास्क हम लोग क्रिएट कर लेंगे एंड देखिए इधर वाइट मास्क है, मास्क को हमको ब्लैक में कन्वर्ट करने होगा।
तो देखिए पूरा जो बैकग्राउंड का ऊपर ये व्हाइट हो गया है, तो इसीलिए हमको मॉडल का ऊपर ये व्हाइट टोन चाहिए। तो मार्क्स को लेयर सिलेक्शन करके कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस बैकस्पेस की मैंने प्रेस किया, देखिए मार्क्स इधर ब्लैक हो गया एंड व्हाइट टोन भी गायब हो गया। ओके, तो हम लोग मैन्युअली क्या करेंगे, जो मॉडल है मॉडल का ऊपर हम लोग व्हाइट टोन क्रिएट करेंगे। ओके, तो इसीलिए हमको जो मार्क्स लेयर सिलेक्शन करने होगा, फोरग्राउंड कलर व्हाइट कलर सिलेक्शन करके हम लोग ब्रश टूल का मदद से क्या करेंगे, धीरे धीरे जो फेस का ऊपर हम लोग व्हाइट टोन अप्लाई करेंगे। ओके, तो मैंने फटाफट कर लेता हूँ, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोग धीरे धीरे कर लेना। ओके ओके गाइस, तो इसके बाद देखिए मैंने आई का ऊपर जो कलर आ गया, आई को हम लोग इरेज कर लेंगे इरेजर टूल का मदद से, एंड आईब्रो के भी थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेंगे, एंड लिफ जो है लिफ का ऊपर देखिए थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेंगे। ओके, और देखिए फेस का ऊपर व्हाइट ज़्यादा हो गया, तो ओपासिटी हम लोग थोड़ा सा कमा देंगे। ओके, ओपासिटी कमा के मैंने 54% का आसपास रखी हूँ। ओके, तो देखिए मैंने तो हमारा जो स्किन देखिए व्हाइट टोन हो गया है। ओके, तो लगभग हमारा इमेज तो कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा हम लोग और भी इधर कलर को एडजस्ट करेंगे मॉडल का, तो इसीलिए हमको क्या करने होगा, मैंने एडजस्टमेंट पैनल से सिलेक्टिव कलर में चले गए, एंड देखिए इधर रेड सिलेक्शन करके हम लोग रेड टोन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि लिप का कलर थोड़ा सा और भी ज़्यादा आ जाएगा। ओके, एंड इधर सियान हम लोग सिलेक्शन करेंगे, ड्रेस कलर भी थोड़ा सा हमको बढ़ाने होगा। ओके, तो देखिए आप लोग देखिए सर, तो ड्रेस कलर कैसे करके चेंज हो रहा है। ओके, तो देखिए टोटल हमारा इधर इमेज कंप्लीट हो गया है, तो इसके बाद एक लाइट इमेज हम लोग इधर ऐड कर देंगे, लाइट को लेकर हम लोग इधर सेट कर देंगे, एंड ब्लेंड मोड चेंज करके हम लोग कर देंगे स्क्रीन। ओके, स्क्रीन करने के बाद फिल्टर देन ब्लर, थोड़ा सा ब्लर ऐड कर देंगे, गोजियन ब्लर में जाके थोड़ा सा देखो रेडियस 87 पिक्सल मैंने रखी हूँ, देन इधर मैंने सेट कर दूंगी, ओपेसिटी थोड़ा सा हम लोग कमा देंगे। ओके, आप लोग देख ही सकते हो बहुत बढ़िया एक लुक इधर क्रिएट हो गया है। ओके, तो और भी इमेज को ठीक ठाक करने के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट पैनल से सिलेक्टिव कलर में मैंने जाऊंगी, एंड रेड टोन सिलेक्शन करके थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ओके, एंड हम लोग जाएंगे सियान कलर। ओके, सियान कलर भी थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ओके, देन हम लोग थोड़ा सा और भी कलर एडजस्टमेंट करने के लिए कलर बैलेंस में जाएंगे, कलर बैलेंस में जाने के बाद थोड़ा सा कलर को और भी एडजस्ट कर लेंगे, बहुत बढ़िया लुक आ जाएगा। ओके, आप लोग देख ही सकते हो हमारा जो प्रीवियस इमेज था इस टाइप का, एंड एडिट करने के बाद देखिए इस टाइप का लुक इधर आ गया है। ओके गाइस, आप लोग देख ही सकते हो पूरा वीडियो आप लोग देखिए तो आपका खुद का इमेज का ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो गाइस आई होप कि वीडियो आप लोग का पसंद आई होगा, ये वीडियो आप लोग का पसंद है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो, क्योंकि बहुत सारा इस तरह का कंटेंट आने वाला है, एंड बहुत सारा वीडियो भी हमारा चैनल पे है, तो आप लोग देख ही सकते हो, तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और कमेंट करके बोल सकते हो वीडियो कैसा लगा, और जरूर जरूर शेयर करो आपका दोस्तों के साथ फैमिली के साथ, वो भी देख पाए वो भी सीख पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।